अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूँ कैश्वर। और जी, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि मैंने 3 सूट पाकिस्तान से मारिया बी के मंगवाए थे। तो एक तो मैं आपको दिखा चुकी हूँ लास्ट टाइम मेरी वीडियो में, आई थिंक शेफोन कलेक्शन जो अभी सितंबर में लॉन्च हुई थी वो मुझे मिल गया था। ये वाला जो है ये आई थिंक लास्ट ईयर की कलेक्शन है, तो ये मुझे अभी मिला है। तो चले मैं इसको आपको खोल के दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। तो ये है जी ड्रेस, वेडिंग कलेक्शन, मारिया बी की शर्ट। आप इसे बारात पे, वलीमे पे, मेहंदी पे, किसी भी इवेंट पे पहन सकते हैं। अच्छा खासा लग्जरी ड्रेस है। यहाँ पर नीचे सारा कटवर्क हुआ हुआ है और इसके नीचे क्रिस्टल की हैंगिंग लगी हुई है। ये देखें छोटी छोटी सी, इतना हैवी ड्रेस है तो ये अच्छी लग रही है, बहुत छोटी छोटी सी। अगर बहुत बड़ी बड़ी आप बनवाएंगे तो इतने अच्छे नहीं लगेंगी। ये सारा इसमें वेलवेट है और वेलवेट के अंदर देखेंगे सारा कटवर्क है। ये देखें, इसके बाद वेलवेट की ये सारा वेलवेट पे इस पर हुआ हुआ ऑर्गेन्जा है और इस पर ये सारा पैचेस जो हैं एप्लिक हुए हैं। आई थिंक इस ऑर्गेन्जा को इस जरी इसमें शाइनिंग सी है इस ऑर्गेन्जा के अंदर। साइड में सारी यहाँ दामन से लेकर ऊपर पूरे आर्म होल तक ये इसकी पट्टियाँ जा रही हैं वेलवेट की। ये भी सब कुछ इंक्लूड होता है मारिया बी के ड्रेसेस में, आपको कुछ लेना नहीं पड़ता। ये इसकी लाइनिंग है, लाइनिंग का कपड़ा भी देखें कितना ज़बरदस्त है। इसके बाद ये सारा इस तरह से सीक्वेंस का काम हुआ हुआ है। और उसके बाद ये देखें जी, इसके पर्ल लगे हुए ग्रीन कलर के और साथ ही इसमें छोटे छोटे से पर्ल और डायमंडीज भी लगे हुए हैं। ये सारा नेक है ऊपर तक इसका, नेक पूरा देखें इस तरह से काम हुआ हुआ। ये सब एप्लिक है जो ये नज़र आ रहा है आपको गले का। और साइड में ये एम्ब्रॉयडरी है और एम्ब्रॉयडरी के साथ जो बीच जो सेंटर पैनल है वो प्लेन है और ये जो नीचे पैनल आ रहा है ये पूरा इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। और साइड में ये आर्म होल पे पूरी वेलवेट की ये पट्टियाँ जा रही हैं। ये जब आप पहनेंगे, आपकी अगर टेलर ने बहुत ज़बरदस्त सिया हो तो बहुत अच्छी इसकी फिटिंग आती है, बहुत अच्छा लगता है ये। इसके बाद ये इसकी स्लीव्स हैं, स्लीव्स में भी उसी तरह से ये क्रिस्टल लगे हुए। जब भी इस तरह का कोई वेडिंग ड्रेस हो, लग्जरी ड्रेसेस हो, तो इसके ऊपर जो पर्ल्स होते हैं उनको बोला करें क्रिस्टल की लगाया करें। कभी कभी जो टेलर जो हैं वो प्लास्टिक की भी लगा देते हैं तो जिससे वो सारा सूट का मज़ा ख़राब हो जाता है। तो ये थी इसकी शर्ट, बहुत ही खूबसूरत कलर है, लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन। ये देखें, चले मैं अब आपको इसका दुपट्टा और इसका ढाका पजामा दिखाती हूँ। ये है इसका दुपट्टा जिसके ऊपर लगे हुए हैं ये सीक्वेंस तो नहीं है, ये लगे हुए हैं टसल्स चारों कॉर्नर पे। और ये इसके ऊपर हुआ हुआ है ब्लॉक प्रिंट। अभी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ इसको पूरा। तो ये है जी इसका दुपट्टा, ये देखें अभी मैंने इसे डबल किया हुआ, ये कितना अच्छा खासा बड़ा दुपट्टा है। इस पे सारा ये जो है ब्लॉक प्रिंट हुआ हुआ है और उसके साथ साथ उसका जरी का काम भी हुआ हुआ है। ये सारा ब्लॉक प्रिंट है और ये पैनल्स आपस में जुड़े हुए हैं। देखें इस पैनल के ऊपर इस तरह से ये डिज़ाइन आ रहा है। इसके साथ ही इन्होंने ये वेलवेट की पट्टियाँ भी दी हुई हैं, ये सब वेलवेट है। ये ग्रीन कलर की दो हैं और साथ में जो कॉर्नर की बेल, जो कॉर्नर की लेस है वो ऐड करवाई है स्टिचिंग के थ्रू और बाकी जो वेलवेट की है वो इसमें इंक्लूड थी। ये इसके ऊपर कॉर्नर पे देखें, इसके पल्लुओं पे इस तरह से ये एप्लिक हुआ हुआ है। उसके बाद इसके पीछे देखें सिल्क का जो है, जैसे क्या कहते हैं, इसे डोरी पाइपिंग जो होती है उस तरह से हुई हुई है। और उसके बाद दुपट्टे के चारों कॉर्नर्स पर इस तरह से ये टसल लगे हुए, मैं दिखाती हूँ आपका। ये देखिए, जिसकी वजह से ये चारों कॉर्नर्स पे थोड़ा सा वेट आ जाता है तो ऑर्गेन्जा ओढ़ा बहुत अच्छे तरीके, वो एक जगह टिका रहता है
शोल्डर के ऊपर, क्योंकि चारों तरफ जब वेट सही होगा तो ये है जी इसका दुपट्टा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत ड्रेस है। अब मैं आपको इसका ढाका पजामा दिखाती हूँ। और ये जी है इसका ढाका पजामा, ये मैंने फोल्ड किया हुआ है। ये देखें पहले इसका घेर अच्छा खासा है, ये वन एक साइड इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक ऑलमोस्ट 29 इंच है। तो इस तरह से देखें ये जब होगा अलहदा से तो इसका अच्छा खासा घेर बन जाएगा, ऑलमोस्ट 60 इंच, ऑलमोस्ट 60 इंच वन साइड, ऑल टुगेदर जो है ना 120 इंच का बनेगा ये। इसके नीचे तो ये प्रिंटेड सा इन्होंने सिल्क दी हुई है जिसपे हल्का हल्का ये ब्लॉक प्रिंट हुआ है, ये लेस वैसे ऐड की हुई है, और इसके ऊपर ये प्लेन सिल्क है। और सिल्क की क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसकी फॉल बहुत अच्छी आ रही है। अभी देखें इससे आपको पता चल जाएगा। तो जब शर्ट यहाँ तक इस बेल से जो ऊपर है ना लेस जो लगी इससे ऊपर तक शर्ट की लेंथ है, उसके बाद बस ये नीचे से इस तरह से ये नज़र आएगा। चले मैं अब आपको इसकी ओवरऑल लुक दिखाती हूँ। तो जी ये है इसकी ओवरऑल लुक। ये मायूबी का इस साल की कलेक्शन तो नहीं है, मुझे लगता है ये लास्ट ईयर की ही है, दिसंबर में आई थी। लेकिन इस बेचारे को पाकिस्तान से अमेरिका आते आते सिल के बन कर आते आते लगता है एक साल गुजर गए होने वाला है। तो दिखाने का मकसद यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह इनकी सारी कलेक्शन जो है इस तरह की जो लग्जरी कलेक्शन होती है वो बहुत खूबसूरत होती है। देखें सिल के कितना हसीन लग रहा है। तो अगर आपको भी, अब ये तो मुझे नहीं पता कि अब आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन कोई और कलेक्शन आएगी तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से इनके ड्रेसेस होते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।